सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी इसका आयोजन हुआ। सुबह 8 बजे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से दौड़ को रवाना किया गया। इसमें आम नागरिक, शहर के प्रबुद्ध और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया और खुद उसकी अगुवाई करते हुए दौड़ में शामिल हुए। दौड़ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा काली मंदिर पर आकर संपन्न हुआ, जहां पर सदर सांसद रवि किशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज पूरा देश दौड़ रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, तो भला गोरखपुर कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ भी गोरखपुर दौड़ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर लोगों से, खासकर युवाओं को, अपनी सेहत का राज बताते हुए बताया कि यदि शरीर बीमार रहे तो इंसान आधा वैसे ही मर जाता है, इसलिए खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इतनी व्यस्तता के बावजूद वे कसरत के लिए सुबह रोज 1 घंटे का समय निकाल लेते हैं। दौड़ या कसरत से इंसान चुस्त और दुरुस्त रहता है, इसलिए सभी को कसरत करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा, बोले भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश भर में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। एकता के लिए हम दौड़ेंगे। इस दौड़ का उद्देश्य यह है अपना दौड़ होने जा रहा है पुलिस के लोग तो सही कराते हैं। झंडा इधर करिए। अरे भाई रुक जाए भाई, थोड़ा मध्य रहते हो। अरे भाई कैसे भैया आप लोग कौन में पीछे कौन में पीछे ले ले हो गए चलो चल दूर से चलिए चलिए भैया दौड़ शुरू। चलिए आगे जाइए। दौड़ेगा
अरे भाई सामने सब उनको आने देना, उधर जाइए ना। अरे थोड़ा ही है, थोड़ा सा मलू मलू थोड़ा ही है। दीपक श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि लो पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे एक ऐसे लो पुरुष जिनके बारे में पूरा देश विश्व जानता है लोहाम, उनके विचारों को उनके डिसीजन को लोहा माना है, तो उसके लिए एक एक शक्ति का एक रन फॉर यूनिटी का प्रदर्शन होना चाहिए जहाँ पे हर समाज हर तबके के लोग हर वर्ग के लोग एक साथ दौड़ेंगे। तो आज पूरा गोरखपुर साथ दौड़ा और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक छोटी सी भेंट की और मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके विचारों के साथ आज देश दौड़ रहा है।
इसी बहाने फिट भी रहेगा, जागरूकता भी रहेगी, यूनिटी भी रहेगी, एकता भी रहेगी और देश की प्रगति भी रहेगी। ये एक साथ मिलके दौड़ना, जुटना, सेहत, अगर आप, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं तो मैं जानता हूं जब सेहत बीमार रहती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, घर का एक मुखिया अगर बीमार रहता है। इसलिए शरीर के लिए फिटनेस भी बहुत जरूरी है, दौड़ना बहुत जरूरी है, एक घंटा कसरत बहुत जरूरी है। तो ये लोह पुरुष का भी आह्वान था, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी लोह पुरुष हैं और मेरा भी प्रयास है। पूज्य योगी महाराज भी लखनऊ में आज करवा रहे हैं, आज कुछ 37 जिला दौड़ रहा है तो गोरखपुर कहां है पीछे रहता, तो आज गोरखपुर भी दौड़ रहा है। ये हम लोग दौड़ लगाए गोरखपुर विश्वविद्यालय से दौड़ लगाए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक, माई के मंदिर तक कसरत करते हैं। मेरी लाइफ इतनी बिजी है फिर भी भले कमरे में दंड मार लें, थोड़ा दौड़ लें, शाकाहारी रहें, ऐसा थोड़ा शरीर को ध्यान दें, क्योंकि शरीर निरोगी रहेगा तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर शरीर रोगी रहता है तो आप 50% आपका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग सब लोग, पूरा गोरखपुर का युवा, पूर्वांचल का युवा, उत्तर प्रदेश और देश का, कसरत करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक घंटा अपने 24 घंटा में एक घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए, एक घंटा शरीर मांगता है, 23 घंटा आपका साथ देता है।